नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी ब्रेकिंग न्यूज। जनपद गाजियाबाद थाना लोनी बॉर्डर पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान एक वांछित बदमाश को किया गिरफ्तार। गिरफ्तार बदमाश के कब्जे से एक चोरी की मोटरसाइकिल, एक तमंचा, 315 बोर, 3 कारतूस, एक खोखा, 2 जिंदा बरामद। बदमाश पर आधा दर्जन से अधिक मामले पहले से पंजीकृत। लोनी क्षेत्राधिकारी ने घटना का किया खुलासा। यूपी ब्रेकिंग न्यूज से शिवा वर्मा की रिपोर्ट। ताज़ा खबरों के लिए सब्सक्राइब करें यूपी ब्रेकिंग न्यूज। ऑर्डर और एसओजी देहात टीम द्वारा बेटा अंडरपास पे चेकिंग बैरियर लगाया गया था और चेकिंग किया जा रहा था। उसी दौरान एक काले मोटरसाइकिल पे दो संदिग्ध सवार नजर आए। पुलिस टीम द्वारा जब रोकने का प्रयास किया तो उन्होंने अपने मोटरसाइकिल को काफ़ी तेज़ी से मुड़ा करके और भागने का प्रयास किया। पुलिस टीम द्वारा जब घेराबंदी किया गया तो उन्होंने पुलिस टीम को लक्ष्य करके जानलेवा फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस टीम ने जवाबी कार्रवाई करते हुए आत्मरक्षार्थ अपने आप को बचाते हुए गोली चलाई, जिसमें कि एक बदमाश घायल हुआ और दूसरा बदमाश अंधेरे का फायदा उठा करके भागने में सफल हुआ। घायल बदमाश से पूछताछ किया गया, उसने अपना नाम सागर पुत्र सुनील बताया, जो कि सरस्वती विहार थाना लोनी का रहने वाला है। उसके ऊपर आधे दर्जन से अधिक लूट आदि के संगीन मामले पूरे NCR में दर्ज हैं, दिल्ली और गाजियाबाद में। थाना लोनी से वह वांछित अभियुक्त भी है। उसके पास से एक अदद चोरी की मोटरसाइकिल, तमंचा और कारतूस मिला है। उससे और भी कड़ाई से पूछताछ की जाएगी। प्रारंभिक चिकित्सा हेतु अस्पताल भिजवा दिया गया है। अग्रिम विधिक कार्रवाई। धन्यवाद।